तो दोस्तों इस बार जो इतिहास रचने वाले हैं भाई घोड़े पे बिठा दिया गया है यहाँ पे नरेश भाई साहब को, और लोगों की यही इच्छा है जैसे कि एक घोड़े पे महाराणा प्रताप के जैसे इस हल्दी घाटी के युद्ध में जो उसकी सेना थी कुछ इस तरीके से स्ट्रगल कर रहे हैं लोग। तो गोली को लंबोल बंदा मेरा नाम लंबोल फोटो की तरह डाटे एक बार ठीक है खड़े हो विजय रथ पे निकल चुके हैं, विजय रथ पे नरेश भाई साहब जाते हुए विजय रथ पे निकल चुके हैं। इतनी रहा हार्डी के कहां पे पत्रिका गेट पे एक बार भी पता है यार राजा बनेंगे अब की बार राजा ही थे पहले से लड़ गए महाराणा प्रताप ले ले लड्डी के ला हो गया एक और ले हो गया ले यार फिर वापस लोग लग गया साला जिंदाबाद अपना दुनिया को दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हो कि भाई यहाँ पे नरेश मीणा और उनकी जो भी सेना है वो सेना यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। बहुत सारी भीड़ भाई लिटरली मैं बोलूँ एक मैसेज डालने पे 100-200 नहीं पूरे हजारों लोग यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो इतने लोग और उनकी भीड़ और नरेश भाई साहब यहाँ पे उनके बीच में भाई देखते हो आपको नजर आएंगे। यहाँ पे जितने भी लोग देख रहे हैं जवाहर सर्किल के जस्ट सामने आपको इतने लोग, अगर मैं दूर से आपको दिखाना चाहूँ तो इतने सारे लोग हैं जो एक्चुअल में इस जवाहर सर्किल के मेन ट्रैक पे भी नहीं आ पा रहे। सॉरी भैया आप सामने और भी मैं आपको पास में जाकर दिखाता हूँ ये चीज को, पास में जाकर और भी दिखाता हूँ मैं इस चीज को, क्योंकि यहाँ पे जो पब्लिक है जो भाई लोग हैं जो भाईचारा है वो हमेशा यहाँ पे कुछ इस तरीके का बना रहना चाहिए। जिनके भी मोबाइल रहेंगे ना मोबाइल नंबर जिन्होंने पिछले 2-3 दिन नंबर नहीं दे पाए। तो दोस्तों देखा ना आपने भाई जो भाईचारे का जो खून उबल रहा है वो खून, मैं आप सभी को एक ही बात बोलना चाहूंगा जितने भी देवली उनियारा क्षेत्र से जितने भी लोग देख रहे हैं इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बिल्कुल ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करना, ज्यादा से ज्यादा वोट करना। बस एक ही बात बोलूंगा कि ये युद्ध में देवली उनियारा में इस बार एक नया इतिहास रचेगा। नरेश भाई साहब गुरुजी की तरफ से एक बोलेरो आपके इलेक्शन में रहेगी, एक बोलेरो इनके पे डीजल पे एक बोलेरो रहेगी पूरे इलेक्शन में। आप दोज को आ जाना जी, मेरे अंकल जी है। हाँ गुरुजी गुरुजी एक सेकंड एक फोटो।